किया जा सकता है। छोटी मम्मी चंद्रवंश से है या सूर्यवंश से है? चंद्रवंश से। और बड़ी मम्मी? ब्रह्मा के ग्रुप में है या विष्णु के ग्रुप में है या शंकरपुरी के ग्रुप से है? है शंकरपुरी के ग्रुप से है। रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणकों में भी सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, क्या है बता दो। चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी उसको बता। हाँ, रुद्रमाला का मणका होगा तो जरूर सूर्यवंशी होगा ना। रुद्रमाला के मणके 108 सारे ही दूसरे छिलके वाले तो नहीं है? दूसरे धर्मों धर्मों का छिलका तो नहीं चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ है तो बड़ी मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, यज्ञ के आदि में बड़ी मम्मी जगदम्बा कौन? जो आदि में सोई अंत में है ना, पहला ब्रह्मा तो हुआ, भले प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, पहला ब्रह्मा तो हुआ, उसने अपना कारोबार किसको सौंपा, अपना टाइटल किसको दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो दोनों कौन से कुल के हैं? दोनों चंद्रमा है ना। और अष्टदेव कौन से कुल से हैं? सूर्यवंश से। तो छोटी मम्मी आएगी या बड़ी मम्मी आएगी? ये कह रहा छोटी मम्मी आएगी, आप कह रहे कोई नहीं आएगी। तो छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी का नाम तो तीन शीर्ष में पहले ही फिक्स कर दिया। क्या तीन शीर्ष बताई ना? वो तीनों शीर्ष में छोटी मम्मी बड़ी मम्मी आई या नहीं आई? आई, लेकिन अभी तीन शीर्ष की बात नहीं हो रही है। नहीं, हाँ हाँ, अभी अष्टदेवों की बात और उसमें भी दो शीर्ष की बात हो रही है। कि सूर्यवंशियों में पहले पहले भाई बहन कौन? हाँ, क्योंकि आठ है ना, तो आठ जो है वो सब धर्मों के पूर्वज हैं। जिन जिन के पूर्वज हैं लास्ट जन्म में जाकर के उसी में गिरती है। क्या चंद्रवंशी होगा तो कहाँ गिरेगा? है चंद्रवंश में गिरेगा। अगर इस्लामियों का पूर्वज होगा तो कहाँ गिरेगा? इस्लाम वंश में। क्रिश्चियंस का पूर्वज होगा तो कहाँ गिरेगा? ये मोह बड़ी चीज खराब है। क्या ये मेरे वंश के हैं?
सकल व्याधिन कर मूला। पहले जो है अष्ट देवों में उनमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, बोला तो है क्या बोला है? अव्यक्त वाणी में बोला है जो भी दीदी दादी दादाएं हैं पुराने पुराने उनका श्रृंगार करने वाले तुम हो। कौन? अष्टदेव। तो कोई चंद्रवंशियों का भी श्रृंगार करने वाला होगा, इस्लाम वंश की दादी होगी तो उनका भी श्रृंगार करने वाला होगा, बौद्ध वंश की दादी दादा होगा उसका भी श्रृंगार करने वाला होगा, और यज्ञ के आदि में भी श्रृंगार किया होगा। बाबा तो जो अष्टदेव है पहला नंबर दूसरा नंबर जैसे तीसरा नंबर है वो भी किसी जैसे इस्लामियों का जैसे वो डैडी बना होगा, वो चौथा नंबर बौद्धियों का आखिरी जन्म में एंड में शुरू में भी बिगनिंग में भी और बिगनिंग में नहीं, बिगनिंग में उनका लगाव बाप के साथ होगा या कोई दूसरे धर्म के साथ होगा, और वो आज से अंत तक बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे या कोई दूसरे धर्म पिता के सहयोगी बन जाएंगे। खैर ऐसे कैसे हो सकता है, बिगनिंग की तो बात ही नहीं। बाबा जो ये सीटें फिक्स होनी है ये अव्यक्त वाणी में आएंगी बातें या मतलब बात अव्यक्त वाणी नहीं पढ़ी जा रही की क्या पढ़ी जा रही? वो तो ठीक है जी। हाँ मतलब ये सभी सीटें जो फिक्स होंगी अव्यक्त वाणी के थ्रू ही होंगी जी। ये अव्यक्त अभी जो तीन मूर्तियों में तीन सीट फिक्स हुई ये काय के द्वारा फिक्स हुई? अव्यक्त वाणी जो धारणा की वाणी है और मुरलियां जो ज्ञान की वाणी है, ये दो ही तो आधार हैं। जैसे कि आपने बताया कि दो सीटें फिक्स हो चुकी हैं, हमने कहाँ बताया, आज तो अव्यक्त वाणी बता रही है। अव्यक्त वाणी बता रही है ना, हमने तो ये भी नहीं बताया कि नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले लगा रहे हैं, वो भी अव्यक्त वाणी में बताया। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है ना, उसमें आना जाना करते हो ना, तो जरूर कोई संगठन बना होगा ना। क्लियर तो कहाँ हुआ ये? एक अष्टदेव क्लियर हो गया। अच्छा पहले अपने अपने कुल वालों को क्लियर हो ये सबको क्लियर हो जाएगा। अष्टदेव जो है वो अपने अपने ग्रुप के पूर्वज हैं, ऐसे तो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, लेकिन अष्टदेव जो है वो अष्ट दिग्पाल के रूप में गाए हुए हैं। और बाबा फिर की बातें समझ में नहीं आया ये। सब बाप दादा ही क्लियर कर दें क्या? नहीं रास्ता तो मिलना चाहिए, एक से सैकड़ों बातें खुल जाती है। हैं? एक बात खुलने से सैकड़ों बातें खुल जाती है। अभी तो इशारा दिया तो बाबा माँ कौन जब जब बाप है सूर्यवंशी तो माँ कौन सी वंशी? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी को चंद्रवंशियों में जो भी चंद्रवंशी है उनमें मुखिया कौन है? माँ है बड़ी मम्मी।
या ब्रह्मा, वो मुखिया है, उनको गुण रत्नों से श्रृंगार करने वाला कोई यज्ञ के आदमी होगा ना, यहाँ भी होगा। तो गुणों के आधार पर वो आत्मा सबसे अग्रगण्य होगी या पीछे होगी? दादा लेखराज से भी अग्रगण्य, गीता माता से भी अग्रगण्य होगी या नहीं होगी? अरे होगी। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ दो, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे आगे बढ़ा देता है? योग। शॉर्ट टाइम में पूरा गैलअप कर देता है। याद किया, याद से तुम विश्व की बात सही ले लेते हो, ये नहीं कहा धारणा के बल से तुम विश्व की बात सही लेते हो, तुम्हारे अंदर धारणा है। ये भी नहीं कहा ज्ञान के बल से तुम विश्व की बात सही ले लेते हो। रुद्रमाला के मन के ज्ञान की चाय चाय बहुत करते हैं। और तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहते हैं इनसे ज्यादा ज्ञान कोई में नहीं है, ज्ञान में तो इनसे नहीं जीता जा सकता, ज्ञान की बात है इनसे बिल्कुल मत करो, कान में उंगली दे लो। और सेवा, वाचा की सेवा, भागदौड़ की सेवा, ऐसी सेवा से विश्व की बात सही मिलती नहीं है। कैसे मिलती है? जो मनसा सेवा में सीखा होगा वो सारे विश्व के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकेगा। जो भी दुनिया के राजनेता हैं, धर्म नेता हैं, वो उसके वाइब्रेशन से कंट्रोल में हो जाएंगे, भले कितनी भी उछल कूद मचाने वाले हों। तो जो पहला भाई बहन का युगल होगा उसकी विशेषता क्या होगी? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, याद। तो याद में किसी का नाम लिया है क्या? योगिनी बहन का लिया। तो वो योगिनी बहन तो कोई योगी राज भी तो होगा है? नहीं होगा? होगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो एकदम क्लियर हो गया, अभी बहने नहीं कह सकती हम ही आ गए हैं जानने में है? और आगे प्रश्न पूछ रही है, यहाँ योगिनी बहन छोटी मम्मी है क्या? माता एक पूछ रहे, योगिनी बहन छोटी मम्मी है क्या? अब दोबारा कैसे सुन लेना, उसका जवाब मिल गया? जवाब मिला कि नहीं? कैसे कैसे तो मिलेगा ना, मिलेगा। बाबा अभी तबियत वाला जो छह बच्चे दे रहे हैं वो छह का समाधान करने में लगे हुए हैं, रीजन विलास करने में लगे हुए हैं। और आप भी आपकी कमी पर जातियों को भी और आप भी बोलो ना। ऐसे बहुत बाबा बच्चा बहुत विघन विनाश करने में और समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं, और दादियों को भी समय देना पड़ता है और आप भी लगे हुए हैं। हाँ।
आप किस दादियों के लिए ही बोला है? आप माने जिसके सामने वाणी चल रही थी उनके सामने बोला? मनसा सेवा अगर बातचा और करुणा नहीं होगी तो जल्द से मनसा सेवा से वाइब्रेशन मुरली में तो ऐसे ही बोला है, जो याद में अंत में तीखा होगा, ज्ञान में भले कितना भी कच्चा हो, बूढ़ी सी माता क्यों न हो, ढेर सारे बच्चे क्यों न पैदा किए हो, बड़े परिवार वाली हो, कितनी भी बुद्धि खपाई कर दी हो, लेकिन वो बांधेली माता भी उसमें सारा ज्ञान आ जाएगा। जो याद में तीखा होगा उसमें अंत में सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा एक तो इस्लामियों के माता पिता बनते हैं फर्स्ट वो है इस्लामियों के माता पिता, ये जैसे पहला और दूसरा अष्टदेव मिलकर के इस्लामियों के माता पिता बनते हैं, ये तो कोई बात नहीं। और बाबा पहला दूसरा तो सूर्यवंश में बता दिया। बाबा मुख्य चार धर्म है। हाँ चार धर्म की बात हो रही है, पहले मुख्य चार धर्म है और अष्टदेवों की जोड़ा लगाया जाए तो चार बनते हैं। हाँ जी माता पिता जैसे। हाँ हाँ तो उसमें से एक एक को जैसे जन्म देते हैं, जो चार धर्म है चारों को एक का माता पिता बनते हैं। थोड़े ही जो भी धर्म है वो सब जोड़ी वाले हैं। इस्लाम के साथ मुस्लिम लगा हुआ है, सूर्यवंश के साथ चंद्रवंश लगा हुआ है, क्रिश्चियंस के साथ नास्तिक लगे हुए हैं, बौद्धियों के साथ हीनयान महायान लगा हुआ है, ये कैसे कहते हैं? है? सन्यासियों में भी सारी समाज कोई धर्म है, मटपंत है वो तो। ज्यादा मुसलमानों ने क्रिश्चियंस ने आक्रमण किए ना हिंदुस्तान में, तो आक्रमणकारियों को सिखाया किसने? कि भारत के ऊपर ज्यादा हिंसक मत बनो। उनको शिक्षा देने वाले कौन हुए? द्वापर युग से भारत के हिंदू लड़ाई लड़ते चले आए, उन्होंने विदेशियों को शिक्षा दे पाई है? नहीं दे पाई। विदेशियों के दांत कब खट्टे हुए है? जब सिख धर्म की आत्माएं फ्रंट में आ गई। इसलिए गुरुद्वारे का गायन है कौन सा द्वारा? गुरु जी का द्वारा। मंदिर में भी गुरु जी बैठे होते हैं, उसको गुरुद्वारा नहीं कहते हैं। एडवांस पायत्री का पहला गीता पाठशाला का नाम भी है गुरु सर सुधार, सतर सुधार। हाँ और क्या, जब सिख ही पंजाब के होते हैं। पहले वही खोली थी है? पहले वही पाठशाला खोली। हाँ एडवांस की पहली पाठशाला गुरसर सुधार। ज्ञान की जटाएं हैं
दाढ़ी की लाज रखने वाले हैं इसलिए लंबी दाढ़ी होती है। गुरु वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का असली गुरु है। दुनिया प्रवृत्ति मार्ग में चलती है या निवृत्ति मार्ग में? सारी दुनिया प्रवृत्ति मार्ग में चलती है। सन्यासी भी जन्म कहाँ से लेते हैं? प्रवृत्ति से जन्म लेते हैं। दिवाली के बाद दूसरे बहन भाई की पूजा करती है। दीपावली दशहरे के बाद आती है या पहले आती है? जब दस विकारों का हरण हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाती है, तो बहन भाई की पूजा करती है। उससे पहले पूजा नहीं होती क्या? पूजा कब करती है? दीपावली के बाद। लायक भाई बन जाए तब पूजा करेंगे। देवों के बारे में तो आप गाइड करना। अभी नष्ट वो कह रहे हैं, अभी अष्टदेव भी पूरे नहीं हुए, तुम नष्टदेव कहाँ से लेके बैठ गए? बाबा बोलता तो है, बाबा बोलता तो है। हाँ बोलते तो है। स्थापना वाले भी जरूरी है, पालना वाले भी जरूरी है, लेकिन दुनिया में जो असली सब धर्म की पालना है वो तब तक हो सकेगी या खतरा बना रहेगा जब तक असत धर्मों का विनाश न हो? खतरा बना रहेगा। तो नरसिंहदेव भी जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी है। बताया कि गीता माता के ऊपर अरे बिंदी से प्यार और बिंदी से नफरत नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी बताया हुआ कि गीता माता के दिल पे कृष्ण की छाप पड़ी हुई है। ठीक है, तो कृष्ण वो कृष्ण वाली आत्मा साकार है ब्राह्मणों की दुनिया में? आकारी है या निराकारी है? आकारी है। है क्या बात? तो आकारी होकर के गुलजार दादी में प्रवेश करती है नहीं करती है? तो उससे प्यार और नफरत का कैसे साबित होगा कि उससे प्यार है और उससे नफरत है? तो वो निराकार है क्या? नहीं, कोई तन के द्वारा? हाँ तन के द्वारा ही, गुलजार दादी के तन के द्वारा साकार प्रवेश नहीं करती है? नहीं, गीता माता को किनसे प्यार? कृष्ण की सोल से। वो कहाँ से होगा? क्यों नहीं होगा? शरीर के द्वारा। अगर वर्षा किसको दिया? ब्रह्मा ने वर्षा किसको दिया? अपना टाइटल किसको दिया ब्रह्मा का? पहला ब्रह्मा कौन? गीता माता। उसने किसको दिया वर्षा? दूसरा ब्रह्मा कौन हुआ? अब पहले जवाब दो, पहले बात का जवाब दो, आगे प्रश्न बाद में करो। गीता माता पहला ब्रह्मा है, आदि ब्रह्मा, उसने अपना टाइटल किसको दिया? बोलते गए नहीं जल्दी, ब्रह्मा बाबा को दिया। तो प्यार है तभी तो दिया, ऐसे ही दे दिया। आज की दुनिया में भी माताएं अपने बच्चे के लिए सारा सब कुछ अर्पण कर देती है, बच्चे उनसे सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं, बेवकूफ बना के छीन लेते हैं।
वो उसमें भी खुश, मेरा बच्चा। वो तो सब अम्माओं की अम्मा है। तक जब सुप्रीम सोल किसी में प्रवेश न करके तो ये साक्षात्कार कैसे हुआ? इससे पहले हिस्ट्री में तुलसीदास को, गुरुदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे, हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे। उनमें प्रवेश हुआ था कि नहीं हुआ था? बाबा जब तक सुप्रीम सोल किसी प्रवेश करेंगे तभी तो साक्षात्कार करा सकते। वही तो बात हम पूछ रहे हैं कि तुलसीदास को, सूरदास को और मीरा को साक्षात्कार हुए तो उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया या नहीं किया? आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ बताओ। नहीं किया। प्रवेश होना अलग बात और साक्षात्कार होना अलग बात। साक्षात्कार होने से ये थोड़ी साबित होता है कि प्रवेश हो गया। संस्कार श्री बाबा ऊपर से ही कराया, सुप्रीम सर ऊपर से ही कराया होगा। ऊपर जो भी परमधाम में आत्माएं हैं वो जड़वत रहती हैं या चैतन्य रहती हैं? फिर ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ होता रहता है। संगम युग में इसकी नूत होती है। तो जब साक्षात्कार होना होता है यहाँ शूटिंग हो जाती है। वही तो बात है, संगम युग में जो शूटिंग होती है वही ब्रॉड ड्रामा में रियल होता है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा गया हुआ है तो सुप्रीम सोल ने ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराई थी बाबा? ठीक है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई हा? देवता धर्म की नहीं हुई? नहीं हुई हा? तो बाबा ब्रह्मा बाबा की जो गायन होती है कराने वाला तो सुप्रीम सोल है ना? ठीक है। और इब्राहिम की सोल जो आती है आधार मूर्त में प्रवेश करती है, आधार मूर्त में प्रवेश करके इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाला तो आधार मूर्त का नाम नहीं होता है? जो भी धर्मों की स्थापना का फाउंडेशन पड़ता है वो वास्तव में कौन से युग में पड़ता है? द्वापर युग की भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में सब कुछ है और वो तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म ही नहीं है, वो तो अम्मा को मानते ही नहीं है, गॉड मदर को मानते हैं क्या? फिर उनकी तो बात ही नहीं। वो तो ऊपर से आत्मा आती है, कमजोर आत्मा को दबोच लेती है, उनका रिगार्ड थोड़े ही करते हैं कि तुम हमारे साथ गद्दी पे बैठना। जो भी आते हैं प्रवेश करते हैं दास दासी बना के रखते हैं। हाँ जी बाबा, जो इतनी मुरलियाँ दिखी नहीं है जी। हाँ जी, कागज वाली मुरलियाँ जो है हाँ। ब्रह्मा में प्रवेश कर गए जी तो बाबा तो बोलते थे जी। बाबा तो बोलते थे ब्रह्मा बाबा? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जो मुरली लिखने का काम है ये कौन करता था जी? ईशु दादी और वो शॉर्ट हैंड करने वाली बहने, बहने होती थी वो हिंदी में शॉर्ट हैंड करती थी, टपाटप टपाटप फटाफट शॉर्ट हैंड करती जाती थी। वो शॉर्ट हैंड को फिर बाद में मुरली बनाई जाती थी लिख करके। उनमें लिखने में गलती भी तो हो सकती है कहीं? तो आपके पास ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट कैसेट भी तो है, आप उनको ही रिसर्च क्यों नहीं करिए? हैं, उसमें कैसे गलती हो जाएगी? वो तो एक्यूरेट सुनाएगा। उस दिन कैसे चलती थी बाबा? अरे एक दो कैसेट मिलती है, एक दो कैसेट वो देते हैं, एक दो कैसेट नहीं है।
तो काट काट के उन्होंने कचड़ा बना के दे दिया है। एक पहला और दूसरा अष्टदेव मिल करके सूर्यवंशी को जैसे जन्म देंगे। चंद्रवंशी को नहीं देंगे? नहीं, चंद्रवंशी को जन्म देंगे। चंद्रवंशी को देंगे, सूर्यवंशी को नहीं देंगे। बाबा चार जैसे मुख्य धर्म है, चार मुख्य धर्म में चार चार उनके सहयोगी सहयोगी भी तो है। हाँ, चार तो उनके जैसे धर्म के जैसे सहयोगी है। हाँ, लेकिन चार जैसे जो सहयोगी है वो सहयोगी धर्म निकालेंगे, जो मुखिया है वो मुख्य धर्म निकालेंगे। बाबा ये जो ऊपर के जो अष्ट देव जो है आठ है, उनकी चार जोड़ियां बन रहा है। जोड़ियां तो तुम बनाओ बैठ के, यहाँ तो भाई बहन है। जैसे मात पिता की जैसे जैसे बात जैसे हो रहा है, मात पिता, मात पिता का मतलब पहला और दूसरा जैसे वो है, जैसे मात पिता है अनेक बनाने के चक्कर में। पहला जैसे अष्टदेव है, जो पहला और दूसरा अष्टदेव है मात पिता है। अच्छा, इसी के बाद से तीसरा और चौथा, फिर से पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो ये है मुख्य जैसे चार जैसे धर्म है। बोलो। तो इस्लाम जैसे धर्म जो का होगा वो कौन से किससे निकला है? हम किससे निकला है? इस्लाम तो इब्राहिम से ही निकलता है, और किससे निकलता है? नहीं 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 नहीं, उसका भी बीज होता है रुद्रमाला में। यज्ञ के आदि में चार भाई थे, तो चारों ही धर्म के बीज थे या नहीं थे? बाबा जो फर्स्ट देव हैं, सारे जैसे संसार के सारे विश्व के मात पिता हैं, क्या उसी में से सारे जैसे निकले थे? क्या फर्स्ट जो देव हैं, उसी में से सारे जैसे हर एक धर्म के, चाहे जिसको कॉल, सबका पूर्वज है। अष्ट देव का पूर्वज कौन है? हो गया, और सारी दुनिया का बीज हो गया। तो तुम कहाँ जा, कहाँ बह रहे हो? बाबा जैसे तीन सोल मतलब प्रवेश करते थे जी बाबा में। हाँ जी, कुछ एक मुरलियाँ ऐसी भी तो होंगी जो मतलब हो सकता है वो बहने नजदीक ना हो हर टाइम, तो बाबा के पास में नहीं रह सकती बहने। जो लिखने वाली थी जी, क्यों तो बाबा का तो कोई पता नहीं होता कि किस टाइम आ जाए, किस टाइम प्रवेश कर जाए। तो थोड़े ही स्पेशल मुरली चलाते थे सुबह शाम, कभी गैप नहीं किया। मतलब ये बंधन हो गया कि हाँ सुबह शाम ही बाबा आएंगे? तो अगर सुबह शाम चलती थी तो बंधन ही हुआ ना जी। तो क्या हुआ बंधन में? दुनिया, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ नहीं हूँ। मुरली में क्या बोला, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ या नहीं हूँ? है फिर क्या बात है, वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। ड्रामा बड़ा है, बाबा बड़ा है। ड्रामा जड़ है, बाबा चैतन्य है। तो चैतन्य बड़ा है कि जड़ बड़ा है? बाबा तो मुरली में ये भी कहते हैं, बाबा में कैसा बंधा हुआ है बड़ा, ये प्यार का बंधन होता है। मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा है कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को पता नहीं चलता जी। ठीक है, फिर तो ये पक्की बात होगी कि सुबह आएंगे बाबा, तुम बैठो वहाँ पे जाके। हाँ हाँ बाबा, इस धर्म की स्थापना में जैसे तीन बीजों की आवश्यकता पड़ती है। हैं? धर्म की स्थापना में जैसे तीन बीजों की आवश्यकता पड़ती है। धर्म धर्म की हैं? धर्म की स्थापना के लिए, हर धर्म की स्थापना में तुल बीज, एक तुल बीज और एक आधार। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जैसे देवियों का धर्म की स्थापना में जैसे राम बाली आत्मा ने बने हुए हैं, जैसे देवियों का धर्म की स्थापना के लिए अष्ट में से जो पहली आत्मा है वो जैसे निमित्त बनी, उसी तरह दूसरे धर्म में अष्ट में से कोई आत्मा निमित्त बनती है, उसकी जो स्थूल बीज है जो चार भाई पहले से थे उनमें से कोई निमित्त बनती है। वो राम की तरह बीज नहीं है? वो भी है, पर भी अष्ट देव में से जो आठ आते हैं वो निमित्त बनती है, या जो पहले के जो चार भाई थे जैसे जो अष्ट देव है वो सूर्यवंशी है
और जो पहले के चार भाई हैं वो सब सूर्यवंशी हैं क्या? वो तो अलग धर्म के हैं। हाँ सर, तो वो धर्म कनेक्टेड होते हैं ना। किस धर्म से कनेक्टेड होते हैं? जैसे इस्लाम धर्म का कोई होता है, वो पहले का जो चार भाई था उसमें से एक था। हाँ तो उसमें से जो अष्ट में जो तीसरा नंबर का मनका है वो भी धर्म से कनेक्टेड है। कनेक्शन तो सभी का सभी से होता है तो लेकिन अष्टदेव में नहीं हो सकते वो। अच्छा, तो बाबा वो अष्टदेव में से जो है वो राजा के धर्म में निमित्त बनते हैं। हैं जी, अष्टदेव में से जो आत्माएं है वो दूसरे धर्म को राजा देने के निमित्त बनते हैं। हाँ, परंतु उनके जो स्कूल में जो उस राजा के धर्म में कुछ नहीं बनते है, जो उस धर्म की जो स्कूल बीच है तो उसी धर्म के राजा की स्थापना के लिए, जब धर्म की स्थापना हो जाती है राजा की स्थापना के लिए और उनकी जो स्कूल बीच है कुछ सहयोगी बनते हैं राजा की स्थापना की या उनके सिर्फ धर्म की स्थापना। राजा की स्थापना की और अपने देश में वापस आ गए? नहीं, वो तो बाबा अष्टदेव नहीं, जो भी बीज है जिस धर्म के भी बीज है उनमें जो मुखिया है, मान लो यज्ञ के आदिकारी चार में से एक है, वो इस्लाम धर्म का मुखिया है, बीज हो गया ना। तो जो बीज हो गया वो अपने ग्रुप के साथ जब उनकी संख्या बहुत हो जाएगी लाखों की तादाद में तो वहां जाके जन्म लेगा और राजा की स्थापना करेगा। हाँ, बीज स्थापना के लिए तो अष्टम में से जो इस्लाम धर्म के कनेक्टेड है वो तो उस धर्म के पूर्व ना। तो अष्टधर्म से जो है जो इस्लाम धर्म अष्टदेव देवों में से जो इस्लाम धर्म की कनेक्टेड आत्मा है अष्टदेव तो सूर्यवंश के साथ रहते हैं तो वो तो सूर्यवंश में बाप है तो बाप जहाँ जावेगा वो बारह के बारह वहाँ जावेंगे। सिर्फ अष्टदेव की बात नहीं है तो बाबा वो जो हर धर्म की स्थापना के लिए पूरा भर जाएंगे। हाँ तो बाबा राजा के धर्म की नहीं, बारह ही बारह आत्मा बाबा के साथ ही चलते हैं जो सबका बाप है वो अपने परिवार के साथ हर धर्म को नरक की दुनिया का वर्षा देगा या नहीं देगा? है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? पूछा है मुरली में। गोदाम का वर्षा तो शिव बाबा देता है, उसका नाम तो शिव है, वो तो सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला है। लेकिन सबसे जास्ती देवान में रहने वाला भी कोई होगा, तुम्हारा बाप आया हुआ है, कोई होगा या नहीं होगा? तो वो फिर नरक की दुनिया का वर्षा देने के लिए निमित्त नहीं बनेगा। वो दो प्रकार से करता है, एक उसको दिखता है और दूसरा उसको मोहर है। अगर वो करेगा तो को मोह थोड़ा ही कहा जाता है, जो भविष्य के लिए प्राप्ति होती है उसे मोह नहीं कहा जाता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार देह से बंधे हुए हैं या आत्मा से बंधे हुए हैं? देह से बंधे हुए। तो देह की प्राप्ति के लिए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कार्य करते हैं वो इस जन्म से कनेक्टेड हैं। भविष्य की जन्मों की प्राप्ति जो है वो आत्मा से कनेक्टेड है, देवान के पांच विकारों से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ये कहना कि भविष्य में जो 21 जन्मों की प्राप्ति होगी वो मोह के कारण होगी, नहीं। वो आत्मिक चीज है। हाँ बोलो। जो राजधानी बूढ़े आदमियों को बोलने का हुक्म नहीं है। हाँ जी, राजधानी स्थापना के लिए जो 7 साल बोले गए हुए हैं वो 76 से लेकर के 2000
कई कुछ सब बोला गया हुआ। हाँ जी, सौ साल का संगम युग कहा गया हुआ है, इसके बारे में चाहते हैं। सौ साल का संगम युग है राजधानी स्थापन करने के लिए, 60 साल चाहिए। राजधानी स्थापन कौन करता है, अम्मा या बाप? है बाप स्थापन करता है। सन 76 से बाप की प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्षता वर्ष है, तो 76 से 36 तक 60 साल पूरे हो गए, राजधानी पूरी स्थापन हो जाती। हाँ जी, 100 साल तो सामान्य संगम युग है, उसको पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं नंबरवार सन 76 से पहले प्रत्यक्ष नहीं होती। अगर भिंगा मुस्ती से कोई प्रत्यक्ष करे भी, क्यों राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा, तो झूठी बात साबित हो जाएगी। उतरते रहेंगे, ये शब्द नहीं बोला। उसमें बोला है त्रेता के अंत में 16108 की संख्या पूरी हो जाएगी प्रिंस प्रिंसेस की। क्या प्रिंस प्रिंसेस जो बनने वाले हैं वो त्रेता के 16108 होंगे। 8 की संख्या सतयुग में पूरी होती है, 8 प्रिंस और 8 उनके साथ प्रिंसेस। हाँ, सतयुग में सिर्फ 16 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे और बाकी 8 × 16100 वो त्रेता में उतरेंगे। उनमें उतरने वाले भी होंगे और यज्ञ के आदि वाले भी होंगे, क्योंकि बोला है जब संपूर्ण विनाश होगा तो कुछ ऐसे भी रह जाएंगे जिनको वापस जाना है, जिनको वापस जाना पड़ेगा। जो दूसरे धर्म के बीज होंगे उनको वापस जाना पड़ेगा, या सूर्यवंश चंद्रवंश के बीज होंगे उनको वापस जाना पड़ेगा। जो दूसरे धर्म के बीज होंगे उनको वापस जाना पड़ेगा। सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो बीज होंगे वो पूरे 21 जन्म तक काबिज रहेंगे। अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। की शूटिंग यहाँ हो रही है ना, जो अभी धर्मगुरु बैठे हुए हैं यज्ञ में, वो टंगड़ी अड़ाते रहते हैं नए नए आने वालों को, तो बेचारे गरीब बनेंगे या रईस बनेंगे? नहीं समझ में आया? ऐसे ही बाहर की दुनिया में हो रहा है। जो माँ और बाप दोनों तो अच्छे, बूढ़े आदमी को भी बोल लेने दो, कुछ तो रहम करो। हाँ जी बाबा, ये जो बीज है जो सभी धर्मों के बीज, इनको सही छोड़ना पड़ेगा। सभी धर्मों के बीजों को शरीर छोड़ना पड़ेगा। आपने बताया ना कि शरीर छोड़ करके दूसरे धर्मों, ये नहीं कहा, सेवा करेंगे, ये नहीं कहा, ये कहा कि जो दूसरे धर्मों के बीज होंगे उनमें से दास दास ही बनने वाले होंगे, चांडाल भी बनने वाले होंगे और लास्ट के जन्म में प्रिंस बनने वाले होंगे। तो ऐसी ऐसी शूटिंग बनाने वालों को, उनको वापस जाना पड़ सकता है। जैसे आपने कहा दूसरे खंड धर्म खंडों में जा करके वो जन्म लेंगे और फिर जो है ना वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, वो द्वापर युग की बात हो गई, माँ बाप को प्रत्यक्ष करने की बात ही नहीं, जन्म लेने की जो बात है बात ही नहीं। वहाँ यहाँ संगम युग में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे और अपने अपने धर्म खंड में
करिश्मा दिखाएंगे लेकिन विनाश काल में सदगुरु निंदक ठौर न पावे। विनाश के टाइम पर वो सदगुरु की निंदा कराने वाले बेधर्मी वो बाप के नजदीक ठौर नहीं पाएंगे, न शांति धाम में ठौर पाएंगे और न सुख धाम में ठौर पाएंगे। और चार लीटर से 100 के लिस्ट में आते हैं कि नहीं है? और चार लीटर भी चार में से तीन ये 100 के लिस्ट में आते हैं कि नहीं? ये तो बाबा के गले के हार है शांति देने वाले, तो शांति देने वाले क्या देने वाले? शांति बाप को शांति देने वाले नहीं बाबा, दूसरे को जो 100 के बन के हैं तो उसमें जो तीन विधर्मी है वो उस लिस्ट में आते हैं कि नहीं? 108 के लिस्ट में जो नहीं आएंगे वो विनाश का कार्य नहीं करते क्या? वो तो करते हैं। फिर क्या जो सदगुरु निधन ठहर न पावे? ठहर नहीं पावेंगे, लास्ट में आ जावेंगे। अपने धर्म का जो भी उन्होंने पसारा फैलाया है, जैसे मकड़ी है जाला फैलाती है फिर उसको हप करना पड़ता है, तो जो भी पसारा फैलाया है उसको हप करना पड़ेगा कि नहीं? विनाश करना पड़ेगा। जब वो विनाश का काम पूरा कर ले आ जाओ भैया, क्योंकि आदि के सहयोगी है। शुरुआत में जो बीज बोने वाला होता है वो किसान फायदे में रहता है, तो दिल्ली के आदि में जो एडवांस की स्थापना हुई थी उसमें जो सहयोगी बने वो अंत तक लेने के पात्र हैं या नहीं है? अंत तक फल लेते रहेंगे। बाप बांधा हुआ है, दुनिया एहसान फरामोश हो सकती है, बाप दादा एहसान फरामोश नहीं हो सकते। हाँ जी, जगत माता जगत पिता तो का माँ बाप है वो अष्टदेव ने कहा। अष्टदेवों के माँ बाप है ये कैसे मालूम? पूरा विश्व है, पूरी मनु सतमाओं का माँ बाप है पूरा अष्टदेव का माँ बाप नहीं है। अष्टदेव के माँ बाप शंकर पार्वती कहे जाएंगे, लक्ष्मी नारायण कहे जाएंगे, या जगदम्बा जो महाकाली का पाठ बजाती है वो कही जाएगी? बताओ शंकर पार्वती अष्टदेव में नहीं आएंगे? पार्वती जो है वो जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में शादियाँ होती है तो शादी होने के टाइम कन्या का कुल देखा जाता है और कुंवर का भी कुल देखा जाता है। जो कुमार का कुल है वो ऊंचा माना जाता है या कन्या का कुल ऊंचा माना जाता है? कुमार का कुल ऊंचा माना जाता है। तो ये भी रुद्रमाला शिव की माला है, राजा बनने वालों की माला है। जो स्वाधीन होना जानते हैं, आधीन होना नहीं जानते। और रानियां वो रानियों की माला है, वो क्या होना जानती हैं? वो पति के संबंध में जुड़ने के बाद कैसे चलना चाहिए वो अच्छी तरह जानती हैं। तुलसी का विवाह जो है शालिग्राम के साथ होता है। हाँ जी, हाँ तो क्यों ये इसकी परंपरा यहाँ संगम में कैसे हो रही? तुलसी दो तरह की है, एक रामा, एक काली तुलसी और एक हरित तुलसी, हरे पत्ते वाली और काले पत्ते वाली। ज्यादा पुरानी कौन है? काली पत्ते वाली। और हरित पत्ते वाली जो है
वो घर के आंगन में रखी जाती है और काली पूजी जाती है, और काली तुलसी घर गृहस्थ के आंगन में नहीं रखी जाती। कहाँ फलती फूलती है? जंगल में। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में ऐसा हुआ होगा कि एडवांस पार्टी का जो परिवार बना होगा उस परिवार में, उस सूर्यवंश में वो काली तुलसी कांटों के जंगल में पल रही होगी और हरित तुलसी आंगन में रखी जाती है, बेडरूम में नहीं रखी जाती है। क्या बाहर बैठो? दासराजी कहाँ बैठते हैं? बाहर आंगन में बैठो। लेकिन पवित्रता का पार्ट कुछ बजाया है इसलिए पूजा होती है। उसकी मान्यता पर बहुत है तो हर आने जाने वाले उसको जो घर की जो कुल लक्ष्मी जो होती है उसकी पूजा करती है सुबह शाम। हाँ? क्या हुआ? जगत की माँ है, भले जगत की माँ है, जब राज परिवार लगाया जाता है तो राजलक्ष्मी के साथ, वो राजा के साथ राजलक्ष्मी बैठती है या जगत माता बैठती है? फिर भी ऊंची गद्दी पे कौन बैठती है? है? राज माता फिर भी ऊंची गद्दी पे बैठती है लेकिन अकेली, और वो प्रवृत्ति मार के इसलिए अंतर पड़ जाता है। द्वापर युग को ताम्र युग कहा गया है तो उसमें जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्योतिर्लिंगम स्थापन हुआ सोमनाथ का मंदिर, तो उसमें जो ज्योतिर्लिंगों को लाल पत्थरों का बताया गया मूल्य का और उसमें सफेद जीरा जड़ा गया है। हाँ जी। तो बाबा सीढ़ी के चित्र में उस लिंग को काला क्यों लिखा गया लाल के बदले? वर्तमान समय के हिसाब से दिखा दिया, वास्तव में उस समय तो लाल पत्थर था, लाल रंग होता है रजो प्रधानता का सूचक। द्वापर युग में तांबे जैसी लाल आत्माएं बन जाती है तो लिंग भी है वो स्वर्ण लिंग होता है सतयुग में, रजत लिंग होता है त्रेता में, और द्वापर में ताम्र लिंग हो जाता है कलयुग में लौह रंग लौह लिंग या पत्थर लिंग, यहाँ तो मिट्टी का लिंग भी बनाए गए हैं। बाबा जो एक आत्मा के लिए गायन है जन्म जन्म रगड़ा मन करूं दरुण कर कुमारी, तो बाबा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर गाया हुआ है हर धर्म में जाता है या पिता, तो ग्रैंड मदर भी जाती होगी? हो सकता है। क्या हुआ? क्या कार्ड भी खत्म हो खराब हो गया है? सन्यास धर्म की कोई राजा स्थापन होती है? सन्यासी तो आज भी राजा जैसे बने हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री जाकर के उनके पांव टेकते हैं। द्वापर युग में भी बड़े बड़े राजा उनके पांव टेकते थे, उसी तरह उनके रखते हैं, वही उनकी राजाई है। और बाबा जो अस्त जब है वो अंत जान में पूरे नीचे गिर जाते हैं ऐसे बोले, तो बाबा द्वापर के हाथ में भी उन्होंने नीचे गिरा था, तो उस समय के नीचे गिरना और अभी के नीचे गिरना में क्या फर्क है? उस समय दूसरे धर्म में नीचे नहीं गिरते। तो बाबा ये तो नीचे गिरते दूसरे धर्म में, तो वो 1926 की बात है या 1976 की बात है? 1976 में जितना 1976 से लेकर के और जब तक एडवांस में आते तब तक गिरते ही रहते।
पहले लक्ष्मी आएगी कि पहले है? पहले लक्ष्मी आएगी कि ये गंगा आएगी? जब तक गंगा ना आए, ज्ञान गंगा ना आए, तब तक उत्तर भारत में भगवान का जन्म मानने के लिए कोई तैयार होगा है? नहीं होगा। दक्षिण भारत वाले सब मानते जा रहे हैं, उत्तर भारत वाले कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो सन्यासी जी महाराज जब माने तो वो भी माने। सन्यासी सब बैठते हैं गंगा जी के किनारे, गंगा जी चेते तो सन्यासी भी चेते। इसलिए मुरली में बताया है जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। बाबा सन्यासी भी पहले गंगा निकलेगी। सन्यासी भी बाबा, सन्यासियों में भी बड़ा सन्यासी कौन होगी? गंगा ही होगी। बाबा कलयुग के अंत में पत्थर का लिंग बनाते हैं, कलयुग के अंत में पत्थर का लिंग बनाते हैं है? तो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि कोई बात है जो पत्थर बुद्धि की समझ में नहीं आती है, ठीक है, उस पत्थर बुद्धि को बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सी बात है जिसकी समझ में नहीं आती? कोई बात तो होगी, कोई बात तो जरूर होगी, सारी बातें क्रॉस होंगी लेकिन एक बात होगी। वो बात बुद्धि में नहीं बैठती होगी। जब ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा गीता का भगवान शिव है तो वो भी कहेगा मैं भी तेरा बाप आया हूँ, मैं भी मान लेता हूँ। चंद्रवंश में जो नीचे उसके स्वभाव थोड़ा शीतल होती है, तो अष्ट में जो चंद्रवंश की जो आत्मा कनेक्टेड है वो जब लास्ट जन्म में नीचे गिरती है उसकी स्वभाव थोड़ा शांत किचन की रहती है। हाँ, ये भी एक पहचान है। तो बाबा ओ, 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 जो दो आज के जो अष्टदेव हैं उनमें जो बहन का रूप बताया, माता का रूप बताया, उसकी ये भी पहचान है कि शांत स्वभाव की होगी। तो बाबा उधर में नीचे गिरना कैसे होगा? शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा नीचे नहीं गिरते। जब ब्रह्मा नीचे गिरते हैं तो जो उनको गुण रत्नों का दान करने वाला होगा, ज्ञान रत्नों का दान करने वाला होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो बाबा जो इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म की जो कनेक्टेड आत्मा रहेगी कल प्रकृति में जो गुण धर्म बताए गए हैं वो धर्म उनमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी, थोड़ा सा छिलका होना चाहिए कि नहीं आखिरी जन्म का, कि मोटा छिलका होगा थोड़ा। तो ज्ञान लेने के बाद तो बाबा चले गए। ठीक है बाबा। इस परिवार की एक व्यक्ति ज्ञान में आता है, उसका पूरा परिवार ज्ञान में आता है। एडवांस में आता है, ज्ञान में नहीं, एडवांस में आता है। हाँ, गारंटी क्या है? हाँ, वो पैसों के लिए आने के पहले आता है कि बाद में? एडवांस में आने वालों के लिए बोला कि जब प्रत्यक्षता हो जाएगी बाप की, तो बाप की प्रत्यक्षता प्योरिटी के आधार पर होगी या कोई दूसरी आत्मा कर सकेंगी? तो प्योरिटी का मानदंड कौन है? वो जब तक नहीं आवे तब तक तो प्रत्यक्षता होने वाली नहीं। तुम्हारा जवाब मिल गया। परिवार में कौन कौन आएगा? परिवार में जो भी खून के हैं, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, भौजाइयाँ भी हैं, भतीजे भी हैं, है जी। 5000 साल का जो प्राड्रामा है, 50 साल कलयुग का, 50 साल सतयुग का, तो ये प्राड्रामा कब से 86 से स्टार्ट होता है सतयुग का? या ये तो तुमने अपने तरफ बना लिया कि 50 साल सतयुग का, 50 साल कलयुग का। इसी चक्र में तो ऐसे समझाया जाता है क्या?
वो समझाया जाता है वो मुरली में समझाया, ये तुमको समझाने वाले ने समझा दिया। गौर से बताते उसका जो 100 साल की संगम है, हाँ वो 50 वर्ष कलयुग और 50 वर्ष सतयुग के लिया जाता है, 4 और युग का लिया जाता है।